अदूरदर्शी हैं आकाशवाणी के नीति निर्धारक। बात प्रसार भारती की। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ ये संस्था अपने अजीबोगरीब निर्णयों के चलते घाटे में जाती नजर आ रही है। दरअसल आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रसार भारती के दो विभाग हैं, जो भारत की आम जनता तक उपयोगी सूचनाओं व शिक्षा को मनोरंजनात्मक तरीके से पहुंचाने का काम करते आए हैं। इसके अधिकांश श्रोता दूर दराज के वो किसान, मजदूर, गृहणियां, बच्चे और युवा होते हैं, जिन तक सूचना के दूसरे स्थापित माध्यम अखबार, पत्र पत्रिकाएं, इंटरनेट सुलभ तरीके से नहीं पहुंच पाते। इनके लिए रेडियो आसान, सुलभ और अपना सा इसलिए है क्योंकि ये ही उन्हें उनकी अपनी बोली, भाषा, चिर परिचित शैली में उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सामग्री प्रदान करता है। और अगर देखें तो ये ही वो वास्तविक श्रोता हैं जिन्हें रेडियो की जरूरत है और जिनसे आकाशवाणी रेडियो चलता है। अब सवाल ये भी है कि क्या रेडियो सिर्फ गाने सुनने का माध्यम है? अगर आप ऐसा समझते हैं तो इसे थोड़ा दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि टेप रिकॉर्डर, मेमोरी कार्ड प्लेयर्स के जमाने से लेकर आज शहरी व अर्बन इलाकों में इंटरनेट तक कई माध्यम से गाने सुनने के सैकड़ों विकल्प मौजूद हैं, जहां एक क्लिक पर मनचाहा गीत बजने लगता है। ऐसे में आखिर क्या कारण है कि ग्रामीण व दूरदराज इलाकों में आज भी आकाशवाणी एफएम तथा शहरी अर्बन इलाकों में निजी एफएम रेडियो लोकप्रिय हैं? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि निजी एफएम रेडियो जहां शहरी अर्बन इलाकों में वहां की जरूरतों के मुताबिक सामग्रियों का प्रसारण करते हैं, वहीं आकाशवाणी के स्थानीय रेडियो स्टेशन LRS अपने आसपास की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सामग्री प्रसारित करते हैं। ऐसा नहीं कि शहरी व अर्बन इलाकों में आकाशवाणी का प्रसारण नहीं सुना जाता। आज भी विविध भारती के अधिकांश कार्यक्रम इन क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं, क्योंकि मुंबई केंद्र पर तैयार इसके सूचनात्मक कार्यक्रम शहरी अर्बन क्षेत्रों के अनुसार होते हैं, जो वहां रहने वालों को भाते हैं। हालांकि निजी एफएम केंद्रों ने शहरी अर्बन क्षेत्रों के अधिकांश श्रोताओं के दिलों पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि निजी एफएम केंद्रों से प्रसारित स्थानीय सूचनाओं का स्तर उनके मुताबिक व स्वरूप त्वरित होता है, जो इन क्षेत्रों के श्रोताओं की व्यस्तता के कारण उनकी आवश्यकता भी है। आकाशवाणी ने भी महानगरों में इस तरह की सूचनाओं से युक्त कार्यक्रम व एफएम चैनल शुरू किए हैं, जो लोकप्रिय भी हुए। लेकिन आकाशवाणी के इन चैनलों की सामग्री दूर दराज शहरों, अर्बन या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किसी काम की नहीं, क्योंकि इसमें ना तो उनके शहर की ट्रैफिक की स्थिति वाली जानकारी होती है और ना ही स्थानीय बोली में खेती की बात। आकाशवाणी के स्थानीय रेडियो स्टेशन LRS से इस तरह की सामग्रियों का प्रसारण कर शहरों व अर्बन क्षेत्रों में इसकी लोकप्रियता को बढ़ाया जा सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी पश्चिमी व महाराष्ट्र की पूर्वी सीमा पर मौजूद करीब 1 लाख की सिर्फ शहरी आबादी वाले बालाघाट के आकाशवाणी की बात करें तो इस FM केंद्र से प्रसारित स्थानीय जरूरतों, समस्याओं संबंधी सूचनात्मक कार्यक्रम जनमंच व नमस्कार बालाघाट खासा लोकप्रिय हुआ करता था, जिसने इस शहर के श्रोताओं को रेडियो से जोड़े रखा। वहीं तस्वीर एक गांव की, हेलो किसान वाणी और ग्रामीण कलाकारों के अंचल के सुर कार्यक्रमों ने ग्रामीण श्रोताओं को ऐसा जोड़ा कि किसान भाई भी आकाशवाणी के विज्ञापन दाता बन गए। बालाघाट ने भैंस गुमी और भैंस मिली जैसे विज्ञापनों से भी खूब राजस्व बटोरा। विज्ञापनों का ये प्रयोग अपने आप में मिसाल भी बना। इससे स्थानीय शासकीय,
अर्धशासकीय विभाग व ग्राम पंचायत भी विज्ञापन प्रसारण के लिए आकर्षित हुए। ग्राम पंचायतों और जिला पंचायत द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों सहित यहाँ के अधिकतर कार्यक्रम स्थानीय विज्ञापनों से भरे रहते। बालाघाट आकाशवाणी ने इस तरह के विज्ञापनों को एकत्र करने का कीर्तिमान भी बनाया। युवाओं का कार्यक्रम युववाणी भी ग्रामीण व शहरी युवाओं को खूब भाता रहा, लेकिन शहरी प्रकृति वाले प्रस्तोताओं के बढ़ते प्रभाव से धीरे धीरे इसमें ग्रामीण युवाओं की रुचि कम हुई। वहीं अंचल के सुर और स्थानीय सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों का निर्माण बंद होना, हेलो किसान वाणी व तस्वीर एक गांव की जैसे कार्यक्रमों को कम करना आकाशवाणी से श्रोताओं का जुड़ाव कम कर रहा है। इसमें प्रस्तोताओं का शहरी नगरपालिका क्षेत्र सीमा का निवासी होने की बाध्यता भी एक कारण रहा है। शहरी सभ्यता में पले बड़े प्रस्तोताओं में ग्रामीण परिवेश की अभिरुचियों लहजे की जानकारी न होना स्वाभाविक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी क्षेत्रों में प्रसारण सामग्री का स्थानीय अभिरुचियों से भरपूर होना ही रेडियो की लोकप्रियता का प्रमुख कारण है, क्योंकि रेडियो आज भी लोकप्रिय है और इसका सबूत है रोज रोज बढ़ रहे निजी कंपनियों के FM रेडियो स्टेशन। ऐसे ही सैकड़ों केंद्र शुरू करने के लिए विभिन्न कंपनियां अब भी लाइसेंस लेने की कतार में हैं। रेडियो आकाशवाणी की आवश्यकता कम नहीं हुई है, लेकिन नीति निर्धारक न जाने क्यों स्थानीय प्रसारण कम करने और स्थानीय आकाशवाणी केंद्रों LRS को रिले सेंटर बनाकर श्रोताओं को जबरन दिल्ली मुंबई के कार्यक्रम परोस रहे हैं, जो उनकी अभिरुचियों से बिल्कुल मेल नहीं खाते। इसी का लाभ उठा रहे हैं निजी FM, जो दिन दूनी रात चौगुनी गति से आकाशवाणी के इलाकों में पैर पसार रहे हैं और नीति निर्धारक भी उनके लिए मैदान खाली कराने वालों की भूमिका में नजर आ रहे हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं, तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कड़ी में विषय होगा नीति निर्धारण में हुई चूक, लापरवाही या साजिश।